वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार, आज का टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। और इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग आज देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस। कि दोस्तों, हम लोग ने अपना प्रीवियस वीडियोस में परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस, परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला वीडियो देखने से आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। सो दोस्तों, चलिए सीधे चले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक डायग्राम है उसको देखिए, ये है टाइम और ये है क्वांटिटी या इन्वेंट्री, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन पाइल अप हो रहा है, ये आपका प्रोडक्शन है, ये है कंजम्पशन, ठीक है। इस रेंज में क्या हो रहा है, स्टॉक बिल्डअप होते जा रहा है एट द रेट के माइनस आर, और यहाँ कंजम्पशन होते जा रहा है, ठीक है। ये शॉर्टेजेस है, मतलब ये डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो पाया तो हम लोग को कॉस्ट लग जाएगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन बिटवीन द इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, ठीक है। सो दोस्तों, क्या है, हम लोग का सी एच इज द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, सी एस इज द सेटअप कॉस्ट, R इज द डिमांड रेट, K इज द प्रोडक्शन रेट, और C2 शॉर्टेज कॉस्ट है। दोस्तों, जैसे कि इस मॉडल में हम लोग कुछ assumptions लेके चलते हैं, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस मॉडल में भी देखा है। इन दिस मॉडल द डिमांड रेट R इज यूनिफॉर्म, द प्रोडक्शन रेट इज फाइनाइट एंड ग्रेटर देन द डिमांड रेट, दैट मीन्स K इज ग्रेटर देन R एंड द लीड टाइम इज जीरो, ठीक है। अभी दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग को निकालना है ऑप्टिमम लॉट साइज, मतलब कितना लॉट का ऑर्डर देना पड़ेगा। सो दैट इज डिनोटेड बाय क्यू स्टार। जैसे कि दोस्तों, हम लोग ने बेसिक परचेसिंग मॉडल में क्या फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला देखा था, टू आर सी एस डिवाइड बाय सी एच रूट ओवर, ठीक है। फिर हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में क्या देखा था, ये वाला पार्ट देखा था, पहला दो पार्ट, ठीक है। दिस वन इंटू के बाई के माइनस आर, हम लोग ने बोला था ये के बाई के माइनस आर फैक्टर को याद में रखिएगा। और दोस्तों, हम लोग ने परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस में भी देखा था ये वाला फैक्टर। सो इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करके आपको ऑप्टिमम लॉट साइज मिल जाएगा, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है इन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर ईयर निकालेंगे, मतलब कितना प्रोडक्शन साइकिल होगा पूरा ईयर में, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एन स्टार इक्वल्स टू आर बाई Q स्टार, R क्या है, दी डिमांड रेट, ये फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग T निकालते हैं, मतलब द टाइम इंटरवल बिटवीन द प्रोडक्शन साइकिल्स, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 1 बाई N स्टार, ठीक है दोस्तों। अभी और क्या निकालते हैं, अभी मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था पिछला वीडियोज में, वही बेसिक फॉर्मूला है, बस इन फैक्टर को ऐड करना है, वो हम लोग चलिए प्रॉब्लम में देख लेते हैं। और अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम में। द डिमांड ऑफ एन आइटम इज 18,000 यूनिट्स पर ईयर, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन प्रोड्यूस एट अ रेट ऑफ 3,000 यूनिट्स पर मंथ, द सेटअप कॉस्ट इज ₹500 एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 0.10 रुपीज पर यूनिट पर मंथ, द शॉर्टेज कॉस्ट इज ₹20 पर यूनिट पर मंथ। ये है क्वेश्चन, हम लोग को क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ शॉर्टेजेस, डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड टाइम बिटवीन सेटअप। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, हम लोग के पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है, शॉर्टेज कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, प्रोडक्शन रेट है और डिमांड रेट है। तो ये सब डेटा यूज करके हम लोग ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ शॉर्टेजेस निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालेंगे और टाइम बिटवीन ऑर्डर्स को निकालेंगे, मतलब बेसिकली दी ऑर्डर साइकिल को निकालेंगे, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को निकालेंगे। दोस्तों, आप देख लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में भी कैसे हम लोग मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं, वो भी अगर क्वेश्चन में दिया जाता तो आप इजीली फॉर्मूला यूज करके
निकाल पाते हैं। चलिए सीधे बोर्ड पे देखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन से क्या देखे हैं, हम लोग के पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है, दैट इज 0.10 पर यूनिट पर मंथ। दोस्तों क्वेश्चन में यूनिट ठीक से देखिएगा, वो मंथ में दिया हुआ है कि ईयर में दिया हुआ है, ये एकदम ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका प्रॉब्लम गलत हो सकता है। और क्या है हम लोग के पास डिमांड रेट दिया हुआ है 18,000 पर ईयर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास प्रोडक्शन रेट है 3,000 यूनिट्स पर मंथ, शॉर्टेस्ट कॉस्ट है ₹20 पर यूनिट पर मंथ, और सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹500 पर ऑर्डर, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग के पास देखिए सब मंथ्स में है, लेकिन ये वाला जो डिमांड रेट है वो ईयर में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, ये ईयर में दिया हुआ है तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को डिवाइड बाई 12 करना होगा। सो दैट इज 1500 यूनिट्स पर मंथ। सो हम लोग के पास सब डेटा है, बस अभी हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे डेटा को और अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं ऑप्टिमम या इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी। सो दोस्तों ऑप्टिमल या इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, Q स्टार इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू आर इंटू द सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई द होल्डिंग कॉस्ट इंटू द प्रोडक्शन रेट डिवाइड बाई प्रोडक्शन रेट माइनस द डिमांड रेट इंटू होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाई द शॉर्टेज कॉस्ट। ये है फॉर्मूला दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि ये परचेजिंग मॉडल का प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में डिमांड रेट दिया हुआ है, दैट मीन इट इज अ परचेजिंग मॉडल। और अगर आपके क्वेश्चन में डिमांड रेट एज वेल एज प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है, उसका मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। और अगर शॉर्टेज कॉस्ट का कोई मेंशन किया हुआ है तो वो विद शॉर्टेजेस होगा, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो विदाउट शॉर्टेजेस होगा। ये दिमाग में रख के आप फॉर्मूला सोचिएगा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों बेसिक जो परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस का फॉर्मूला था, दैट वाज 2 इनटू डिमांडेड इनटू द सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाय द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अभी आप मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस जब करेंगे क्या होगा, अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस करते तो फॉर्मूला कहां तक आता, इतना तक आता, ठीक है। सिर्फ आपको नॉर्मल परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस के साथ ये के बाई के माइनस आर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता तो आपको मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाता, लेकिन ये तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस है। तो जब विद शॉर्टेजेस होगा तो ये एक्स्ट्रा जो फैक्टर है वो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो चलिए इसमें हम लोग बैठाते हैं अपना वैल्यूज और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 2 इंटू आपका डिमांड रेट कितना है 1500 यूनिट्स पर मंथ इंटू दी सेटअप कॉस्ट इज 500 डिवाइड बाई दी होल्डिंग कॉस्ट इज 0.10, ठीक है। ये पहला फैक्टर हम लोग ने बैठा दिया है। दूसरा फैक्टर क्या है, के बाई के माइनस आर, प्रोडक्शन रेट कितना है दोस्तों 3000, सो 3000 डिवाइड बाई 3000 माइनस 1500, ये भी हम लोग ने बिठा दिया है। एंड फाइनली हम लोग क्या बिठाएंगे, दी होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाई दी शॉर्टेज कॉस्ट। सो होल्डिंग कॉस्ट अपना क्या था 0.10, शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है ₹20 पर यूनिट पर मंथ डिवाइड बाय द शॉर्टेस्ट कॉस्ट। ये वाला हम लोग को सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वही आपका ऑप्टिमम या इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी है। ये अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 5491 आ रहा है। सो योर इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी इज 5491 यूनिट्स, ठीक है। हम लोग ने अपना प्रॉब्लम का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जहां हम लोग को बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेजेस। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ शॉर्टेजेस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सो दोस्तों नंबर ऑफ शॉर्टेजेस निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला ये है, द इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू द होल्डिंग कॉस्ट डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट इंटू प्रोडक्शन रेट माइनस डिमांड रेट डिवाइड बाई प्रोडक्शन रेट। बस इसको फॉर्मूला को याद रखिए, फॉर्मूला में वैल्यू बिठाइए और आंसर निकालिए। तो चलिए देख लेते हैं अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 5491 यूनिट्स आया था, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, होल्डिंग कॉस्ट दैट इज 0.10 पर यूनिट पर मंथ डिवाइड बाय दी होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट जो था 20, ठीक है 20 था आपका शॉर्टेज कॉस्ट। अभी हम लोग को के माइनस आर बाई के निकालना है। सो के क्या था, प्रोडक्शन रेट 3000 माइनस 1500 था आपका डिमांड रेट डिवाइड बाई 3000।
सो इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर निकालना है। इट इज कमिंग 13.65। सो दोस्तों 13.65 को हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं 14। सो नंबर ऑफ शॉर्टेजेस इज 14 यूनिट्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग टाइम बिटवीन ऑर्डर्स निकालेंगे और मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालेंगे, मतलब टाइम बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। तो चलिए देख लेते हैं। सो दोस्तों टाइम बिटवीन ऑर्डर्स एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को निकालना है। ये बेसिकली जैसे कि हम लोग ने कहा है, ये है ऑर्डर साइकिल, ये है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। सो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। टाइम बिटवीन ऑर्डर्स है, इसका फॉर्मूला है क्यू स्टार बाई आर, आर इज द डिमांड रेट। और टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला क्या है, क्यू स्टार मतलब इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाई द प्रोडक्शन रेट। ठीक है, मतलब आपको कितना इंटरवल में प्रोडक्शन करना है या कितना इंटरवल में ऑर्डर देना है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, सो जैसे कि आपका ये आया था 5491, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाज 5491 डिवाइड बाय द डिमांड रेट विच वाज 1500। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, 5491 डिवाइड बाय द प्रोडक्शन रेट विच वाज 3000 यूनिट्स पर मंथ। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स आ रहा है 3.6 अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम लोग 4 लिखते हैं, और ये आ रहा है आपका 1.83 को हम लोग 2 में राउंड ऑफ कर रहे हैं। सो ये मंथ्स में आया था ना, सो योर टाइम बिटवीन ऑर्डर्स या ऑर्डर साइकिल इज 4 मंथ्स एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज 2 मंथ्स, मतलब हम लोग को हर 2 मंथ में मैन्युफैक्चरिंग करना है और हर 4 मंथ में एक बार ऑर्डर करना है। कितना ऑर्डर करना है, जितना इकोनॉमिकल होता है। सो हम लोग को 5491 क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, ये है लॉट, एक लॉट में कितना ऑर्डर करना है वो आप लोग ने निकाल लिया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो दोस्तों यही है आपका बेसिक इन्वेंट्री मॉडल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। सो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल हो या परचेसिंग मॉडल हो, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप सब वीडियोस दोबारा एक बार देख लेना तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियोस का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। दोस्तों प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।